तो बहुत दिनों के बाद प्रभास की फिल्म प्रोजेक्ट के से आ चुका है एक बहुत ही बड़ा अपडेट। और दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आपको प्रभास की फिल्म प्रोजेक्ट के अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें कि प्रोजेक्ट के फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टर नाग अश्विन। और इस फिल्म की लीड कास्ट में हमें देखने को मिलेंगे पैन इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार प्रभास, दीपिका पादुकोण और बिग बी अमिताभ बच्चन। प्रोजेक्ट के एक साइंस फिक्शन फिल्म होने वाला है। और दोस्तों इस फिल्म से जो अपडेट आया है वो है इस फिल्म से शूटिंग सेट से। इस फिल्म का शूटिंग अभी चल रहा है और इस शेड्यूल में अभी प्रभास, दीपिका पादुकोण और बिग बी अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं। आज के दिन पर भी इस फिल्म का शूटिंग चल रहा है। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि कुछ दिनों पहले ही प्रोजेक्ट के फिल्म की मेकर्स ने प्रोजेक्ट के फिल्म का एक सीन शूट किया था, जिस सीन में उन्होंने कई सारी लग्जरी कारों को रखा था, जिसमें से कई कार लैम्बोर्गिनी थी। और दोस्तों एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिस वीडियो में प्रभास लैम्बोर्गिनी चलाते हुए जा रहे थे। हालांकि उस सीन में प्रभास का फेस तो नहीं दिखता है, लेकिन उस लैम्बोर्गिनी कार में प्रभास थे। और प्रोजेक्ट के फिल्म प्रभास की अगली दो फिल्में आदिपुरुष और सलार से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म एक साइंस फिक्शन फिल्म होने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस फिल्म में जो कैमरा यूज़ किया जा रहा है वो वही कैमरा है जिस कैमरे से गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म को शूट किया गया था। और प्रोजेक्ट के फिल्म का जो बजट होगा वो होगा 500 करोड़। अगर आप गूगल में भी सर्च करते हैं तो दोस्तों गूगल में भी प्रोजेक्ट के फिल्म का बजट 500 करोड़ ही दिखाया जाएगा। वैसे प्रभास की नेक्स्ट फिल्म आदिपुरुष का बजट भी 500 करोड़ है। उसके बाद प्रभास की अगली फिल्म यानी कि आदिपुरुष फिल्म के बाद प्रभास का जो नेक्स्ट फिल्म होगा वो होगा सलार। उसका बजट लगभग 200 से 300 करोड़ है। और उसके बाद प्रभास का जो नेक्स्ट फिल्म होगा वो है प्रोजेक्ट के, और इस फिल्म का बजट 500 करोड़ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।